करेंगे। खाद बीज के 7 दुकानों पर छापा मारा गया। कृषि विभाग के एसडीओ ने छापा मारा। एक दुकान पर ज्यादा दाम पर खाद बेची जा रही थी। 270 की जगह 360 में ये खाद बेची जा रही थी। एसडीओ विष्णु राठौर ने नोटिस दिया है। किसानों को वापस कराई अतिरिक्त रकम। 6 दुकानों से बीज और कीटनाशक के लिए सैंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंडवा का जिक्र करते हैं। 14 लाख की चरस जब्त की गई है। पुलिस ने फिर से पकड़ी है चरस की खेप। पुलिस ने जब्त की है 2 किलो 75 ग्राम चरस। एक महीने में चरस की तीसरी खेप यह है जो पकड़ी गई है। पदम नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मोतिहारी के 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है इस मामले में। कुल मिलाकर 2 किलो 750 ग्राम चरस और 87,550 रुपए बरामद हुए। इसकी कीमत करीब 15 लाख के लगभग है। और भिंड में नकल नहीं रुक रही है। परीक्षा में सामूहिक नकल का वीडियो सामने आया। लहार दबो के बाद अटेर में सामूहिक नकल हो रही है। बीए बीएससी की परीक्षाओं में खुलेआम नकल का खेल चल रहा है। खिड़की पर चढ़कर लोग नकल करा रहे हैं। गाइड और चिट के जरिए नकल यहां पर हो रही है। ये तस्वीरें आपके सामने भिंड की, जहां पर नकल नहीं रुक पा रही। आए दिन ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने निकल के आ रही हैं कई जगह से। और कुछ ऐसी तस्वीर भिंड में भी देखने को मिली। यहां पर भी नकल का खेल चल रहा है। खुलेआम नकल कराई जा रही है। और भोपाल का जिक्र करते हैं। गड्ढे में पुलिसकर्मी गिर गया। खुली नाली के गड्ढे में पुलिस जवान गिरा। बाइक पर सवार था पुलिसकर्मी। आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कल ही महापौर मालती राय ने इस रोड का निरीक्षण किया था। बड़ी दुर्घटना का शिकार होने से पुलिस जवान बचा है। ये तस्वीरें आपके सामने, भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी की तस्वीरें। किस कदर सड़कें खराब हो चुकी हैं, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। आए दिन तस्वीरें सामने आती हैं कि भोपाल के कई मुख्य मार्गों पर कैसे हालात बने हुए हैं, कैसी सड़कों की हालत हो चुकी है और लोगों को कितनी परेशानी होती है। ये आए दिन तस्वीरें सामने आती हैं। और एक और तस्वीर भोपाल की, जब पुलिस जवान यहाँ पर गड्ढे में घिरा और राहत की बात यह है कि किसी तरह की चोट जवान को नहीं आई। ग्वालियर की बीएसएफ अकादमी से लापता 2 लेडी कांस्टेबल मिल चुकी हैं, जिनकी तलाश में पुलिस गली गली घूम रही थी। वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मिली हैं। आखिर क्यों गायब हुई थी ये लेडी कांस्टेबल? लापता लेडीज का क्या है राज, आइए जानते हैं। ग्वालियर की लापता लेडीज आखिरकार मिल गई है। पुलिस परेशान थी, बीएसएफ भी हैरान। ये लेडीज बीएसएफ एकेडमी से गायब कैसे हुई थी? ये कोई आम लेडीज नहीं, बीएसएफ की लेडी कांस्टेबल थी। इनकी गुमशुदगी पर हड़कंप मचा हुआ था। लेकिन अब टेनकपुर बीएसएफ एकेडमी से लापता 2 लेडी कांस्टेबल का सुराग मिल गया है। शहाना खातून और आकांक्षा निखर पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद बॉर्डर पर मिली है। बीएसएफ अफसर इनसे पूछताछ कर रहे हैं, आखिरकार ये बीएसएफ एकेडमी से क्यों गायब हुई और ग्वालियर से मुर्शिदाबाद कैसे पहुंच गई, इसका पता लगाया जा रहा है। लेडी कांस्टेबल की गुमशुदगी की रिपोर्ट बिलोवा थाने में दर्ज कराई गई थी। आकांक्षा के परिजनों ने शहाना खातून पर अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद से पुलिस दोनों की तलाश में जुटी हुई थी। हमारी टीम और जो बीएसएफ की जो एक इंटेलिजेंस टीम थी, उन्होंने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अभी इनको कलकत्ता में ट्रेस किया है। और दोनों जो गुम बीएसएफ की जो ट्रेनी कांस्टेबल थी, उनको अभी हमने बीएसएफ में हैंडओवर किया है। और हमारी जो पुलिस की टीम है, उन्होंने स्टेटमेंट भी नोट किए हैं। जो अग्रिम कार्रवाई है वो बीएसएफ की जो हेडक्वार्टर है कलकत्ता में, उनके द्वारा भी की जा रही है और संभवतः उनको जल्दी यहाँ जो टेकन वो हेडक्वार्टर में लाया जाएगा।
आकांक्षा के परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस का कहना है ये अपहरण का मामला नहीं है। दोनों लेडी कांस्टेबल रजा मंदी से साथ गई थी। जो भी फुटेज आए थे और जो प्रारंभिक स्टेटमेंट लिए गए उस पर से रजा मंदी से दोनों साथ में यहाँ से गई थी और उनके बीच कुछ इस तरह की बात अभी तक सामने नहीं आई। फिर भी जो विवेचना हमको जब मिलेगी और उसमें जो तथ्य आएंगे उनको जल्दी। लापता लेडी कांस्टेबल का वीडियो भी सामने आया था जिसमें ये दोनों साथ दिख रही हैं। हालांकि अब ये दोनों मिल गई हैं और बीएसएफ अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। सुशील कौशिक, न्यूज 18, ग्वालियर। सिंगरौली में हाईवे किनारे मुआवजे की फैक्ट्री शुरू हो चुकी है। जिसको भी मुआवजा चाहिए वो यहां आकर जमीन खरीद कर एक बड़ा मुआवजा ले सकता है। बस आपके पास रुपए होने चाहिए क्योंकि आपके लाखों रुपए आपको कुछ दिनों बाद करोड़पति बना देंगे। दरअसल यहां से प्रयागराज हाईवे निकल रहा है, जमीन की कीमत कौड़ियों से करोड़ों में हो गई। मुआवजे की इस फैक्ट्री में नेता से लेकर अधिकारी सब शामिल हैं। प्रयागराज हाईवे पर मुआवजे के घर, सर्वे हुआ तो हुए हजारों कच्चे घर, कौड़ियों की जमीन करोड़ों की कमाई। न्यूज 18 की पड़ताल में खुल गए राज। सिंगरौली से प्रयागराज तक हाईवे का निर्माण होना है, इसके लिए सर्वे का काम भी पूरा हो गया है। सर्वे के साथ ही अब हाईवे किनारे मुआवजे की फैक्ट्री भी शुरू हो गई है। जी हाँ, ये वो फैक्ट्री है जहां कौड़ियों की जमीन की कीमत करोड़ों रुपए मिलेगी। इस पूरे मामले को लेकर न्यूज 18 की टीम ने पड़ताल की है। हमारी पड़ताल में जो खुलासा हुआ है वो आपको हैरान कर देगा। पिछले कुछ दिनों में करीब 2500 मकान बन गए हैं, ज्यादातर मकान अधूरे बने हुए हैं। ये मकान उस जगह बने हैं जहां से हाईवे गुजरना है। सतरंगी विकास के अंतर्गत प्रस्तावित हाईवे 135 सी का निर्माण किया जाएगा। इसमें हमारे 33 ग्रामों के अंतर्गत 70 किलोमीटर की दूरी में यह हाईवे बनाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हाईवे बनना है तो मकान क्यों बन रहे हैं? इसका कारण है मुआवजा। दरअसल खेत के बजाय मकान पर मुआवजा ज्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ धड़ल्ले से मकानों का काम चल रहा है। इन सब में नेताजी से लेकर अधिकारी तक शामिल हैं। जगह जगह पोस्टर लगे हैं, जमीन नहीं खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं। रोक है, फिर भी मकान का निर्माण जारी है। प्राथमिक रूप से इसमें हमारा 3A का प्रकाशन हो गया है और जो जॉइंट सर्वे होता है वो भी कर लिया गया है। सर्वे में जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों ने 3A के प्रकाशन के बाद अपने मकान निर्माण किए हैं। ऐसे मकानों को चिन्हित किया गया है सर्वे दल के द्वारा, साथ ही उनके फोटो जियोटेक के द्वारा सेव कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जब हाईवे का सर्वे हुआ था उस वक्त यहाँ सर्वे में 500 मकान थे जो अब 2500 हो गए हैं। ज्यादा मुआवजे के लिए बनाए गए कच्चे मकान, NHAI तक पहुंची मकानों की शिकायत। प्रशासन खुद मान रहा है कि मुआवजे के लिए ये सब खेल खेला जा रहा है। SDM का कहना है कि सर्वे के बाद जो मकान बनाए गए हैं उनका मुआवजा नहीं दिया जाएगा। यदि कोई निर्माण 3A के प्रकाशन के बाद हमें प्राप्त होता है तो उसको नियमानुसार किसी प्रकार का मुआवजा प्रदान नहीं किया जाएगा। उधर डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि सरकार इसे लेकर सख्त है, ऐसे लोगों को मुआवजा तो छोड़िए सजा दी जाएगी। इस प्रकार से यदि कोई गलत तरीके से मुआवजा लेने की कोशिश करेगा तो न सिर्फ उजागर होगा बल्कि उनको सजा भी मिलेगी। मुआवजा तो मिलेगा नहीं बल्कि कटघरे में आएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सख्ती की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि मुआवजे की इस फैक्ट्री पर किस तरह नकेल कसी जाएगी। सिंगरौली से हरीश द्विवेदी और भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट, न्यूज 18। मनेंद्रगढ़ में कुदरत की अनोखी तस्वीर दिखाई दी। यहां पर बादलों में चांद की अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तीन अलग अलग चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। प्रकृति का ये अनोखा नजारा पहली बार दिखा जिसे देखकर लोग हैरान रह गए।
धुआं से निकला। तीन चंद्रमा की ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें देखने के बाद लोग भी हैरान हो गए हैं कि तीन चंद्रमा आखिर कैसे दिखाई दे रहे हैं। ये कुदरत की अनोखी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तीन चंद्रमा दिखाई दिए, अद्भुत तस्वीरें दिखाई दी, जिसके बाद जिसने भी ये तस्वीर देखी हर कोई हैरान रह गया। तीन चंद्रमा की तस्वीर, बेहद खूबसूरत ये तस्वीर और इसे देखने के बाद लोग बहुत ज्यादा हैरान नजर आए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में तेज बारिश मुसीबत का सबब बन गई है, कहीं बाढ़ के हालात बन गए हैं। देखिए, बारिश से कहीं राहत कहीं आफत। बारिश के बाद स्कूल बने तालाब, जर्जर स्कूल, कैसे हो पढ़ाई, सड़क के लिए सड़क पर जाम। बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत दिख रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बारिश की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। नदी नाले उफान पर हैं, कहीं लोग खुश दिख रहे हैं तो कहीं परेशान। बारिश के बीच स्कूल तालाब में तब्दील हो गए हैं। यकीन नहीं हो रहा तो शहडोल से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये स्कूल का परिसर है जो तालाब में तब्दील हो गया है। इसी तालाब से होकर बच्चे टीचर निकलते हैं। ये हालात बुढ़ार ब्लॉक के सीएम राय स्कूल के हैं, जहां महज एक घंटे की बारिश में स्कूल तालाब में तब्दील हो गया। तेज बारिश होती है तो हमारे विद्यालय में जो पानी भर रहा है वो पानी जो है बाहर सड़क और नालियों का पानी ही मेन गेट से अंदर घुस रहा है। हमने तो पूरी व्यवस्था कर रखी है विद्यालय के कि नालियों के द्वारा जो बारिश का पानी है वो निकल जाए, किंतु अभी कुछ दिनों से नाली का पानी और बाहर के बारिश रोड का पानी विद्यालय में घुस रहा है, उसके कारण हमारी क्लासेस अव्यवस्थित हो गई। आदिवासी विकास विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि पुरानी बिल्डिंग में स्कूल चल रहा है, जल्द ही नई बिल्डिंग में स्कूल शिफ्ट होने के बाद इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सीएम राइज की नई बिल्डिंग एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो पुराना एग्जिस्टिंग स्कूल था उत्कृष्ट विद्यालय उसी में सीएम राइज हम लोग चला रहे हैं और ये बिल्डिंग एक दो साल डेढ़ साल में बन के तैयार हो जाएगी। इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, पर अभी जो प्रॉब्लम है दैट इज सीवियर प्रॉब्लम, तो इसके लिए इंस्टेंट इसके रिड्रेसल के लिए बीओ को मैं कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको कोरबा जिले के एक सरकारी स्कूल का हाल दिखाते हैं। जर्जर हो चुकी ये बिल्डिंग, कब गिर जाए कुछ नहीं पता, लेकिन इसमें स्कूल चल रहा है, बच्चों की जान खतरे में है, लेकिन जिम्मेदार बेखबर है। गुस्साए ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर इसकी शिकायत की। उधर डीईओ का कहना है कि जर्जर बिल्डिंग वाले स्कूलों की लिस्ट मंगवाई है और विकास खंड शिक्षा अधिकारियों के प्राप्त सूची के आधार पर आरएएस के मुख्य कार्यपालन अभियंता के द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया और स्थल निरीक्षण के उपरांत जो विद्यालय संचालन के योग्य नहीं थे ऐसे विद्यालयों का एस्टीमेट प्रस्तुत किया गया और उन एस्टीमेट के आधार पर उपरोक्त जगहों पर विद्यालय बनाने के लिए डीएमए फंड में प्रस्तावित किया गया। उधर डिंडौरी में सड़क की मांग को लेकर स्कूली बच्चों ने जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि गांव में सड़क नहीं होने के कारण काफी परेशानी हो रही है, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने बच्चों के साथ मिलकर सड़क पर जाम लगा दिया। गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, बारिश के दिनों में बच्चों समेत लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, कीचड़ के दलदल को पार कर बच्चे स्कूल पहुँचते हैं। कुल मिलाकर बारिश से राहत के साथ आफत भी आई है जिससे लोग परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।